दोस्तों, ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं में से एक वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा के साये में रहते हैं तो जाहिर तौर पर यह हमारे जीवन पर अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए ऊर्जाओं का शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है ताकि हम अपना जीवन यापन सहज तरीके से कर सकें। मनुष्य का ज्यादातर समय अपने घर या कार्यस्थल पर बीतता है, इसलिए उस स्थान पर मौजूद ऊर्जाओं का सकारात्मक होना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो जितने सरल हैं उतने ही कारगर भी। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत पशु पक्षियों को शुभता का प्रतीक करार दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इन जीवों में अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की शक्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बताएंगे जिसके अंदर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जो आने वाले संकट को मिटा देती हैं। तो चलिए जानते हैं इस पक्षी के बारे में। पौराणिक कथाओं में आपने फिनिक्स तो अवश्य देखा होगा। इसके विषय में यह मान्यता है कि वह शक्ति प्रदान करने वाला, प्रगति और विकास को दर्शाने वाला पक्षी है। ऐसी मान्यता है कि घर या कार्यस्थल पर फिनिक्स की तस्वीर लगाने से वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और उस स्थान को आपके अनुकूल ऊर्जा मिलती है। दरअसल फिनिक्स कोई वास्तविक चरित्र नहीं है बल्कि पूरी तरह काल्पनिक पक्षी है। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत इसे सफलता के स्वरूप के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसके अलावा घर में असली पक्षियों को पालना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर आपने भी पक्षियों को पाला हुआ है तो उसे उन्हें सुबह शाम पानी और भोजन दें। पक्षियों के चहकने से घर की बुरी शक्तियां दूर होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी माना जाता है कि जब पक्षी भोजन करने के बाद उड़ जाते हैं तो यह घर की नकारात्मकता और धन की परेशानी भी अपने साथ ले जाते हैं। ये तो फ्रेंड्स, घर में लगाएं ये तस्वीर, मिट जाएगी सब परेशानियां।